एवरीवन, दिस इज आशीष बाजपाई और आज हम लोग यहाँ पर एससी वर्मा के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के सोल्यूशन देखने जा रहे हैं आफ्टर क्वेश्चन नंबर 38। तो बहुत सारे स्टूडेंट अब पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30। बहुत दिन से मैं इंतजार कर रहा था कि काफ़ी बच्चे वहाँ तक पहुँच जाएँ और मैंने काफ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करा दिया है और अभी बच्चे टोटल पेस में नहीं आ पा रहे हैं वहाँ तक। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा रोटेशनल मोशन और जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसा भी आपकी इच्छा हो, यू कैन टेल एज यू नो कि आप लोगों के सजेशन से ही मैं चलता हूँ, बिकॉज इट्स चैनल फॉर यू ओनली। तो बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है गाइस, अब बड़े ही कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, इसलिए बड़े ही ध्यान से सीखना होगा, ठीक है। आसान नहीं है बिल्कुल ये क्वेश्चन, तो बड़े ही ध्यान से फुल फोकस के साथ एकदम अच्छे से समझिए। तो देखिए क्या हो रहा है कि ये जो रेज आ रही हैं सोज अ ट्रांसपेरेंट हेमिस्फेयर, आप समझते हैं स्फेयर का आधा 3 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, अ नैरो बीम ऑफ पैरेलल रेज ऐसे आ रही है। इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे तो एक ही दो रेज से मतलब है। पैरेलल रेज इज इंसिडेंट ऑन द एसोनिदा, आर द रेज टोटली रिफ्लेक्टेड एट द प्लेन सर्फेस, प्लेन सर्फेस ये वाला है, एंड फाइंड द इमेज फॉर्म बाई द रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सर्फेस की वजह से आपको इमेज बतानी है, फाइंड द इमेज फॉर्म बाई द रिफ्रैक्शन और बाई रिफ्लेक्शन और बाई द रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सर्फेस, ओके, ट्रेस क्वालिटेटिवली द फाइनल रेज एज दे कम आउट ऑफ द हेमिस्फेयर, ठीक है। तो पूरा लाइक फुल ऑन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, हर पार्ट को बड़े ही अच्छे से समझेंगे आप लोग। तो देखो ये गाइस, ये सेंटर है और ये देखो सीधा यहाँ पर 45 डिग्री बनाते हुए रेज आ रही, थोड़ा सा लाइक जो बीम है वो कन्वर्ज हो जाएगी, एंड व्हाट विल हैपन कि आप सोचो कि इसी तरीके से ये सीधे रेज हैं और ये थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाए। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, क्योंकि ये 90 पे आ रही हैं, ये देखो ये 90 पे आ रही हैं, तो व्हाट विल हैपन, ना तो ये रिफ्रैक्ट करेंगी, ये सीधा ना रिफ्लेक्ट करेंगी, ये सीधा यहाँ पे सेंटर पे बिल्कुल जाके धड़ाम बोल देंगे, जितने भी हैं ये सब थोड़ा सा लाइक कन्वर्ज हो जाएगा, बिकॉज यू नो द कन्वर्जिंग उसी का पार्ट ही तो लग रहा है आपको ये, ठीक है। तो इसलिए इट्स लाइक इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ज एंड इट विल कन्वर्ज एट दिस पॉइंट। नाउ व्हाट विल हैपन, अब हमें देखना है क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर। फॉर दैट हमको थीटा सी निकालना पड़ेगा एंड थीटा सी इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ 1/μ2, ठीक है, दैट इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ 1/2, इसको क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, और ये बोला गया जो क्रिटिकल एंगल है अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से, यानी कि क्रिटिकल एंगल इज जो है अगर वो लेस दैन एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो बेसिकली साइन इनवर्स 1/2 इज नथिंग बट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि थीटा सी की वैल्यू 30 आई और ये है 45, इट इज़ मोर दैन दैट, ये उससे ज़्यादा है, इसका मतलब कि ये यू रिफ्लेक्ट हो जाएंगी रेज और यहाँ पर पहुँच जाएंगी और यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गया, यानी कि ये सरफेस एक तरीके से मिरर की तरह एक्ट करने लगी। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ए पार्ट था, यही था ए पार्ट, फिर से पढ़िए अच्छे से गाइस, क्वेश्चन बार बार पढ़े। नैरो बीम ऑफ हो गया, आर द रेज टोटली रिफ्लेक्ट, यस दे आर टोटली रिफ्लेक्टेड, यस ए पार्ट दे आर टोटली रिफ्लेक्टेड बिकॉज क्रिटिकल एंगल इज लेस दैन द इंसिडेंस एंगल, ओके, यानी या इंसिडेंट एंगल इज मोर दैन द क्रिटिकल एंगल। तो ये पार्ट हो गया है। बी पार्ट देखिए, फाइंड द इमेज फॉर्म बाय रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सर्फेस, फर्स्ट सर्फेस पे रिफ्रैक्शन, फर्स्ट सर्फेस इज वॉट, यहाँ रिफ्रैक्शन जो हो रहा है गाइज, यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से आपको इमेज बतानी है कि क्या होगा। तो यू नो कि मैंने आपको सिखाया था कि μ1/u - μ2/v इज इक्वल टू μ2 - μ1/r। तो जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है दैट इज बीन टेकन एज अ पॉजिटिव, तो उस हिसाब से
अब ये तो इन्फिनिटी से आ रही बिकॉज दीज आर द पैरेलल रेज, इसलिए इसमें यू बाई इन्फिनिटी और म्यू वन वन था तो वन बाई इन्फिनिटी जीरो ही हो जाएगा, तो म्यू टू की जो वैल्यू है दैट इज़ टू, तो टू बाई वी और यहाँ पे टू माइनस वन और आर आपका पॉजिटिव है दैट इज़ थ्री, तो v की वैल्यू आ गई प्लस सिक्स, यानी कि सामने की तरफ 6 सेंटीमीटर पे इसको रिफ्रैक्शन की वजह से रेज को जाना चाहिए। अब 6 3 सेंटीमीटर ये है तो ऐसे जाएगा गाइस ये। सो बेसिकली अगर मैं इसको लाइक कंप्लीट करूँ स्फीयर को, इसको है तो नहीं यहाँ पे स्फीयर, जस्ट ऐसे ही कंप्लीट करूँ, सो दिस इज़ लाइक 6 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है आपको कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, कि रिफ्रैक्शन की वजह से इनको यहाँ आना चाहिए, यहाँ पर। ये पार्ट समझ में आ गया आपको कि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आकर रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज बनेगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तो बी पार्ट हो गया, फाइंड द इमेज फॉर्म बाय द रिफ्रैक्शन, इट इज फॉर्म्ड एट द 6 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर डायमेट्रिकली अपोजिट टू द गिवन पॉइंट, क्योंकि जाएगा सेंटर से यहाँ पर आएगा, 6 सेंटीमीटर आ रहा है, 3 ये और 3 ये, 6 हो गया, ठीक, क्लियर। अब इसके बाद क्या है, फाइंड द इमेज फॉर्म बाय द रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन और बाय द रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस। अच्छा, प्लेन सरफेस की वजह से, अब देखिए एक तो ये यहाँ पर आके यहाँ पर बन गया इसकी वजह से, क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, दूसरा जो रिफ्रैक्शन हुआ भी है, अब उसके लिए देखो ये जो प्लेन सरफेस है इट विल एक्ट लाइक अ मिरर और यहाँ पर इमेज इसकी वजह से भी बनेगी, तो दिस इज एक्टिंग लाइक अ प्लेन मिरर नाउ, ठीक है। एंड बेसिकली और ये क्या है, यहाँ कोई लाइक ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इट इज एक्टिंग एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर है क्या, अरे भाई यहाँ से आए कहीं तो मिलना चाहिए था तब ये बनेगा, तो इसको लगेगा कि इसकी वजह से बन रहा है यहाँ पर, सो इट्स लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर बन रहा है गाइस, दोनों की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से भी और जो रिफ्रैक्शन की वजह से जो प्लेन सरफेस है उसमें रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी, तो ये पार्ट भी हो गया है। एंड देन व्हाट दे हैव आस्क्ड, ट्रेस क्वालिटेटिवली द फाइनल रेज एज दे कम आउट ऑफ द हेमिस्फेयर। अब वो जब हेमिस्फेयर से निकलेंगे तो क्या होगा, तो व्हाट विल हैपन, कि अब बाहर से आ रही थी तो कन्वर्ज हो रही थी, इधर से जाएंगे तो थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएंगे जो रेज हैं, और इस तरीके से यहाँ पे इमेज बन जाएगी एक बार, लेकिन फिर जो है जो भी निकलेंगे यहाँ से डाइवर्ज होके आपकी निकल जाएंगी, तो रे डायग्राम तो पूरा मैंने बना ही दिया है गाइस। तो आई होप कि थोड़ा आप अच्छे से समझे बात को, बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ जो है आपके कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, एंड इट्स लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा। स्मॉल ऑब्जेक्ट इज एम्बेडेड इन अ ग्लास स्फीयर ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1.5 ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर लेफ्ट टू द सेंटर, लोकेट द इमेज। ओके, लेट्स सी, पहले बना लेते हैं। तो एक देखिए आपका स्फीयर है इस तरीके से, और उसका रेडियस आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, उसका म्यू आपको दिया है 1.5 एंड अ डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर लेफ्ट टू द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर है। सो लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ द स्फीयर एंड दूसरी बार में राइट। तो पहले ए पार्ट करेंगे फिर बी पार्ट करते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस, बहुत ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पर जब मेन पॉइंट ये है कि अगर बहुत सारे बच्चे ही नहीं समझ पाते कि किस तरीके से हम इस सरफेसेस को ले रहे हैं, तो मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं ऐसे, तो लाइट रे आपको ऐसे आते हुए दिखेगी आपकी तरफ, तो आपको कौन सा सरफेस मिलेगा फॉर रिफ्रैक्शन। सो दिस सरफेस विल बी फॉर योर रिफ्रैक्शन, तो ये आपका आपके लिए ये सरफेस बिकॉज इट इज़ एक्टिंग एज अ रिफ्रैक्शन, तो इसकी वजह से हम लोग अपना लेंस का फॉर्मूला लिखने वाले, लेंस मेकर फार्मूला वाला फॉर्मूला, फॉर दिस वी विल हैव टू फाइंड आउट कि इमेज कहाँ बन रही है। तो उसके लिए जो हमें लाइक
डिस्टेंसेस को मेजर करना होगा, दैट विल बी इसके जो पोल है इसका, ये वाला पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर ले लो, ये पोल, यहाँ से डिस्टेंसेस को मेजर करना है। अब देखिए ये तो यहाँ से दिया गया कि 1.5 है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे तो ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है आपको? अब बड़े ही ध्यान से हम लोग अपनी इक्वेशन को लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं कि म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। और साइन कन्वेंशन का बड़े ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है गाइज, दिस इज सेंटर। अब वो सब हम ध्यान रख के अब क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो म्यू टू यानी कि इधर दिस इज व्हाट, एयर, तो 1/v माइनस म्यू वन इज व्हाट, 1.5। यू किधर से मेजर कर रहे हैं? अब देखिए जिधर लाइट रे ऐसे जा रही है, तो लाइट रे के डायरेक्शन में चीज़ें अगर मेजर होंगी तब तो पॉजिटिव है, अगर लाइट रे के अपोजिट चीज़ें मेजर होंगी तो निगेटिव है। अब आप यहाँ से इधर की तरफ मेजर कर रहे हैं तो दैट इज निगेटिव, सो दिस कैन बी रिटन एज -3.5। क्लियर है? अब यहाँ आ जाओ, 1 माइनस 1.5, आर कैसे मेजर कर रहे हैं, तो दैट विल बी द निगेटिव -5 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? सो चलो इसको 1 से 1.5 कर लेंगे तो 0.5 आ जाएगा, एंड ये 1 से अभी तो गड़बड़ कर देते ना, 1 माइनस 1.5 था, 1 माइनस तो माइनस तो कैंसिल हो गया, सो दिस इज 1/10 पॉजिटिव में। क्लियर? और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो दिस इज लाइक 15/, तो 5 3 जा 5 7, सो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 3/7, सो दिस इज लाइक 7 माइनस 30 अपॉन 70, सो दिस इज -20 कितना हो गया, -23 अपॉन 70। देखो 25/75 होता तो 3 होता, सो दिस इज लाइक -3, तो -3 सेंटीमीटर आ रहा है। कहाँ से माइनस आ रहा है, तो इस साइड, तो इधर से -3 आ रहा है, तो यानी यहाँ, तो सेंटर से आपका 2 सेंटीमीटर, तो टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ सेंटर टू सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटर के लेफ्ट में 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो चलिए ये नोट कर लीजिए एंड लेट्स देन मूव टू सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो इस बार जो ऑब्जर्वर है वो राइट साइड में है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका 1.5 सेंटीमीटर इधर, लेकिन आपके लिए इस बार कौन सा सरफेस होगा, आप समझ रहे हैं, इधर से कोई देख रहा है तो इधर ही रिफ्रैक्शन होगा और ऐसे ऐसे रेज आएंगी। क्लियर है? तो देख लो इसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 तो ये हो गई, तो 6.5 है, और यहाँ से चीज़ें मेज़र की जाएंगी, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से इक्वेशन लिखी जाएगी। तो चलिए लिखते हैं, तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो म्यू टू बाई वी मतलब 1/v माइनस म्यू वन यानी इधर साइड 1.5, यू इज टू बी मेजर लाइक दिस, सो दिस इज 6.5 एंड दैट टू माइनस 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 प्लस, म्यू टू माइनस म्यू वन उसी टाइप से -0.5, 1 माइनस 1.5 इज -0.5, आर रे उधर जा रही है एंड आर इज लाइक हियर, तो दिस इज लाइक -5 सेंटीमीटर, तो ये 1/10 हो गया फिर से, सो 1/v इज लाइक 1/10 माइनस 15/65, तो 1/3 एंड 13, ठीक है, 13 फाइव ज़ा
13, so this is like 13 minus 30 upon 130. तो 13 में से 30 गया तो कितना बचा, माइनस 27. सो 1 बाई 2 इज माइनस 17 अपॉन 130. क्लियर है? तो v जो है दैट इज माइनस 130 बाई 17. तो ये कुछ 7.65 आया. ठीक है, 7 बार जा रहा है. सो v इज कमिंग आउट टू बी माइनस 7.65. तो माइनस 7.65, तो 5 तो यहां तक है, ये कितना आ रहा है 1.65 इधर, यानी यहां कहीं इमेज आपकी बनी 1.65, यानी कि सेंटर से 1.65 टुवर्ड्स लेफ्ट. तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग अब इसे यूज कर रहे हैं. तो ये बी पार्ट का आंसर था. सो लेट्स डू नाउ क्वेश्चन नंबर 41. तो क्वेश्चन नंबर 41 अगर देखें तो गिवन है अ बाई कॉन्वेक्स थिक लेंस इज कंस्ट्रक्टेड विद. तो थिक लेंस है गाइस, ऐसा कुछ थिक लेंस है. ठीक है, वैसे तो थिन लेंस आपने पढ़े होंगे अभी तक, ये थिक है. इज कंस्ट्रक्टेड विद अ ग्लास म्यू इज इक्वल टू 1.5. ठीक है, इसका मटेरियल ईच ऑफ द सर्फेस हैज अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर. तो दोनों का ही, लाइक ये वाला और ये वाला, दोनों का ही 10 सेंटीमीटर है. एंड थिकनेस ऑफ द मिडल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज 5 सेंटीमीटर. ओके, लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस फार अवे फ्रॉम द लेंस. ठीक है, तो फार अवे फ्रॉम द लेंस, इन्फिनिटी पे मतलब रखा है. तो यानी कि लेंस मेकर फार्मूला यूज करेंगे गाइज. तो लेंस का फार्मूला यूज करना शुरू करते हैं अब हम लोग. तो क्या करें, तो वहां से पहले हम लोग देखेंगे कि इस सरफेस की वजह से कहाँ इमेज बनी, फिर वो जो इमेज होगी वो इसके इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी एंड देन फाइनल इमेज बनेगी. तो चलिए करते हैं, आसान होता है, बहुत ध्यान से बस सीखते जाइए. हर क्वेश्चन में भी आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं गाइस. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग माहौल चल रहा है इस समय सी वर्मा का फ्रॉम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. एंड तो शुरू करते हैं. तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग, म्यू टू, ये म्यू वन मान लो, दिस इज म्यू टू मान लो एंड दिस इज म्यू थ्री मान लो. इसका रेडियस आर वन और इसका रेडियस, इस वाले सरफेस का रेडियस आर टू. इक्वेशन लिखने के लिए बस, तो हम लिखते हैं पहले म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन. ठीक है, तो म्यू टू कितना है 1.5, वी तो निकालना ही अपने को. म्यू वन इज वॉट 1 और इन्फिनिटी, बिकॉज बहुत दूर रखा है, यानी कि इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी इज 0. म्यू टू माइनस म्यू वन दिस इज 1.5, तो 1.5 माइनस 0.5 सो दिस इज लाइक 0.5. और आर वन इधर के डायरेक्शन में गाइज, सो दैट इज लाइक 10 सेंटीमीटर. सो ये 10 हो गया, इसने इसको काट पीट दिया, 5 3 जा एंड वी इज कमिंग एज 30 सेंटीमीटर. ठीक है, तो पहले सरफेस ने बोला कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूर पे इमेज बन रही है, यानी कि यहाँ से 5 और यहाँ से 25. अब भूल जाओ जो भी हुआ अभी तक, ठीक है, जो भी हुआ सब भूल जाओ. और अब इस सरफेस पे हम लोग देखेंगे, नोट कर लिया ना. ठीक है गाइज, अब ये सब क्या था क्या नहीं था, यहाँ इज्जतदार तरीके से चीज़ें लिख दो. 1.51, तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ही हमारी रेस जा रही थी. तो अब हम ऑब्जेक्ट को यहीं से कंसीडर करेंगे. तो पहले, अच्छा पहले लिख लेते नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाए. सो म्यू थ्री बाई वी माइनस म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू थ्री माइनस म्यू टू अपॉन आर, साइन कन्वेंशन के साथ. तो ये वी निकालने जा रहे हैं हम लोग और इधर वन है, तो दिस इज 1 बाई वी.
mu 2 is what? This is 1.5. distance aapka idhar ki side hai 25, so this is positive, so I am writing here 25. And 1 minus 1.5, which is minus 0.5, r is this side, yani ki opposite to rays are going like this, rays are going like this, so it is opposite to that, that's why r is negative, or 10 centimeter, to minus 10, this is 0.5, theek hai, minus minus cut gaya. और ये भी काट ही देता हूँ मैं बार बार, सो दिस इज लाइक 5 एंड दिस इज लाइक दिस, सो 1/v जो फाइनल इमेज बन रही है जिसे हमें पता करना है, तो वो कट गया था, हाँ यहाँ पे प्लस ही है, सो दिस इज लाइक 5/10, तो एक काम करो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 10 से, आसान हो जाएगा, 100 हो जा रहा है, this is like 60, this is like 50, and this is like 100, so V is 100 upon 110, 11/10, 11/, let me check, that was 0.5, yahan pe 1.5, ठीक है 25 था ना, कुछ गलत हुआ शायद, 10 करेक्ट है, 0.5 ने 1.5 को कैंसिल कर दिया, यहाँ तक तो ठीक है, ऐसे कैसे कैंसिल कर दिया ना, देखा इसको सही से करो, दिस इज़ 250 एंड दिस इज़ 100 ना, अभी देखो गलत हो जाता ना गाइस, सो 1/v इज नथिंग बट 15/250 प्लस 5/100, ठीक है 0.5/10 था, 5/100 हो गया, अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 1000, और इसको 4 से, सो दिस इज 60/1000, सो वी इज लाइक 1000/110, तो ये जीरो कट गया भाई, 11 से 100 को डिवाइड कर दो, 11 9 जा 99, 1 पॉइंट लगाओ, ठीक है फिर से 1, तो 11 9 जाए, तो 9.1 सेंटीमीटर, सो वी इज कमिंग एज 9.1 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम हियर फार्दर ऑब्जेक्ट, ये वाली सरफेस की तरफ से, तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन आ गया गाइस, 41, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 42, सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 42, अब देखते हैं कि क्या मज़ेदार चीज आई है, इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग, अ नैरो पेंसिल ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सॉलिड ट्रांसपेरेंट स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो भी एक स्फीयर है गाइस, इस तरीके का स्फीयर भी नहीं बन रहा है, ठीक है ऐसा स्फीयर है कुछ, तो A narrow pencil of parallel light, okay, parallel light कहाँ से आती है, infinity से, तो ऐसे narrow है ये, for all practical purposes you can consider it to be normal and it has to be the center, so what they are saying कि a narrow pencil of parallel light is incident normally on a solid transparent sphere of radius r, ठीक है, this is radius r, What should be the refractive index if the pencil is to be focused at the surface of the sphere and at the center of the? तो ये पार्ट पहले करते हैं, यहाँ पर फोकस करना है हमको, तो कैसे करें, क्या होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमें पता करना है, और सेंटर पे अगर यहाँ पर फोकस करना हो तो क्या होगा, तो बेसिकली सीख तो गए हैं हम लोग कि कैसे ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सो वेरी इजी, इसका अगर हमने मान लिया गया कि आर है, तो ये भी R है, यानी कि 2R पे इमेज बननी चाहिए, इसको निकालना है म्यू 2 एंड दिस इज लाइक 1, एयर से आ रहा है, ठीक, अब म्यू 2 बाई वी मतलब 2R इधर की तरफ मेजर कर रहे हैं, सो दिस इज पॉजिटिव, और इधर तो इन्फिनिटी हो गया है, तो उसको हटाओ, वो तो डिवाइड ही हो जाएगा, एंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू म्यू 2 माइनस 1, म्यू 2
माइनस वन, और आर इधर है यानी कि इधर ही साइड में आर मेजर हो रहा है, तो दिस इज पॉजिटिव। तो ये कट्टम कुट्टा हो गया यहाँ पर, एंड दिस इज लाइक म्यू टू इज इक्वल टू टू म्यू टू माइनस टू, इसको भेजो तो माइनस म्यू टू इज इक्वल टू माइनस टू, तो कैंसिल। तो म्यू टू अगर टू हो जाए, यानी कि अगर 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 जो हमारा स्फेयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू हो जाए, तो यहाँ पर फोकस होगा, दिस इज ए पार्ट। अब बी पार्ट, बी पार्ट, तो बी पार्ट करने के लिए यहाँ पर फोकस करना है, यू यू। तो चलिए देखते हैं इसी इक्वेशन में, यहाँ तक तो लाइक एवरीथिंग विल बी सेम, नहीं यहाँ पर भी बदल जाएगा। अब आपका म्यू टू बाई वी जो है उसको आपको आर रखना पड़ेगा, और जो म्यू टू माइनस वन है वो भी आर रखना पड़ेगा आपको, आर आर कैंसिल, एंड म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन। तो यानी कि म्यू टू माइनस म्यू टू इज इक्वल टू माइनस वन, सो जीरो इज इक्वल टू माइनस वन जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन जीरो इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा उस दिन यहाँ पर फोकस हो जाएगा। तो फिर ऐसा तो कुछ पॉसिबल है नहीं गाइस कि जीरो किसी दिन माइनस वन के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर फोकस भी नहीं होगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने क्वेश्चन 42 कर लिया है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 43। तो चलिए देखते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज का हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। वन एंड ऑफ अ सिलेंड्रिकल ग्लास रॉड, वन एंड ऑफ अ सिलेंड्रिकल ग्लास रॉड म्यू इज इक्वल टू 1.5 ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज राउंडेड इन द शेप ऑफ हेमिस्फेयर। द रॉड इज इमर्स्ड इन वाटर एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द वाटर अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द रॉड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द राउंडेड एज, लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लैंग्वेज थोड़ी सी खतरनाक है, तो चलिए देखते क्या बोल रहे हैं। तो कोई एक कंटेनर बना लीजिए आप, उसमें वाटर है सबसे पहले तो, और वो 4/3 उसका म्यू है, ठीक है, एंड सिलेंड्रिकल ग्लास रॉड है, एक सिलेंड्रिकल ग्लास रॉड है जिसमें कुछ इस तरीके से हेमिस्फेरिकल लेंस की टाइप से बना है, ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, यानी कि दिस थिंग इज, यानी इसको मैं आर को 1 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इज राउंडेड इन द शेप ऑफ हेमिस्फेयर लाइक दिस। द रॉड इज इमर्स्ड इन वाटर, ये वाटर के अंदर इमर्स्ड है, ओके, द रॉड इज इमर्स्ड एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द वाटर अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द रॉड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज लाइक 8 सेंटीमीटर यहाँ से, ओके, लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड सिलेंड्रिकल ग्लास रॉड का जो म्यू है दैट इज लाइक 1.5। तो क्या पता करना है मेरे को, इमेज कहाँ बनेगी। दिस इज यू, वी हैव टू फाइंड आउट, दिस इज अवर म्यू, आई विल टेल इट, इसको आई विल से म्यू वन एंड आई विल से दिस एज म्यू टू, ठीक, जैसी मेरी आदत है उसी के हिसाब से करूँगा। तो सबसे पहले आई विल राइट म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, जिधर इमेज बना अपॉन इमेज डिस्टेंस, जिधर ऑब्जेक्ट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन यू, एंड म्यू टू माइनस म्यू वन एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और साइन कन्वेंशन लगाएंगे। तो यहाँ लिख दूँ, तो म्यू टू है कितना, म्यू टू इज 1.5, सो दिस इज लाइक 1.5 अपॉन वी जो निकालना है मुझको, माइनस म्यू वन इज वॉट 4/3, और देखो रेज ऐसे जा रही हैं यहाँ से, ऑब्जेक्ट से निकलती हैं रेज, और ये उल्टा है, सो दैट्स वाई दिस विल बी -8, सो दिस इज लाइक 4/3 × 8, तो प्लस हो गया है, म्यू टू माइनस म्यू वन यानी कि 1.5, जिसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ, 3/2 माइनस 4/3 ये, और आर उस साइड है यानी कि जिधर की तरफ रेज जा रही उधर ही है, इसलिए 1, तो 1 से डिवाइड कर दिया मैंने ना,
So basically what is happening, I can write 3 by 2 V plus 4, 1 by 6, 4 2 ja 8 na, and this is 3 3 ja 9 minus 8 upon 6. Oh my god. So this is 3 by 2 V is equal to 1 by 6. 1 by 6 is equal to 1 by 6, cancel ho gaya. Yani ki 1 upon V is equal to 0. To yani ki V kya ho gaya? V ho gaya infinity pe. ठीक है गाइस, तो इसी के साथ जो है वी इन्फिनिटी आ गया. एंड इफ़ यू वांट कि और भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के क्वेश्चन किए जाएं गाइस, तो फटाफट वीडियोस को देख डालिए, बिकॉज मेरी अपनी एक पर्सनल मैट्रिक्स होती है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली आई डिसाइड कि कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितना व्यूज़ हुआ, एंड उसी के बेसिस पे मैं चैप्टर को प्रोसीड करता हूँ. तो कल बहुत ही तगड़े से मैट्रिक्स बिगड़ गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की. तो फिर मैंने देखा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लास्ट लेक्चर पे गया, एंड आई फिगर्ड आउट कि अब यहाँ तक काफ़ी लोग पहुँच चुके हैं. दे आर शोइंग इंटरेस्ट, दे आर कीन ऑन नोइंग अबाउट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. तो इसलिए इसका लेक्चर आएगा इस. अगर फिर आप ऐसे ही करेंगे, यू विल नॉट बी लाइक कंसिस्टेंट, देन यू मे लूज दिस चैप्टर ऑल्सो. ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कोई दूसरा चैप्टर जीत जाए. और ये चैप्टर, इफ़ यू वॉन्ट कि आपका ये चैप्टर लगातार चलता रहे, तो आपको इसमें भी कंपटीशन देना है. यू हैव टू लाइक द वीडियो, खूब लाइक करें, खूब शेयर करें, सो दैट कि आप जो चाहते हैं वो चलता रहे. ठीक है गाइज, तो सी यू गाइज. इसी तरीके से सीखते रहे. आई होप कि आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बहुत सारी चीज़ें सीखने को थी. इतना अगर आ जाता है गाइस, तो एक बहुत तगड़ा बेस तैयार हो जाता है फॉर सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम. ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ कीप लविंग द वीडियोज़. बाय बाय.